एक है कि वैक्सीनेशन के जो भी ग्रीवियंसेस या तकरार आई थी उसके बारे में जो छानबीन हुई है, पुलिस रिपोर्ट जो आया है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यही कह रहा है कि 2040 वैक्सीन्स ये फेक है और सलाइन दिया गया वैक्सीन के नाम पे, और इसीलिए जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उसकी तहकीकात करके 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 10 लोगों को अरेस्ट करने के बाद ये भी पता चला है कि ये जो सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड जो था, यही वैक्सीन के बॉटल्स में ये सलाइन दिया गया था। अभी रहा सवाल ये कि ये कोविशील्ड जो पूना के इंस्टीट्यूट से आया है, सीरम इंस्टीट्यूट से, वो कौन से बैच का था, तो ऐसा भी अनुमान लगाया गया है, प्राथमिक अनुमान, कि ये सब गुजरात में जो 97 का बैच गया था, वहाँ गया हुआ जो बैच था, वहाँ की खाली बोटल्स में वो सलाइन भर के उससे वैक्सीनेशन देने का काम कुछ लोगों ने किया है, उसमें अभी कार्यवाही शुरू है। रहा सवाल जो लोग विक्टिम हुए हैं इसके, उन लोगों के वैक्सीनेशन का क्या, तो उसके हद तक उनका अभी तो हेल्थ जनरल पोस्ट वैक्सीनेशन जो चेकअप रहता है जनरल, उसका डिटेलिंग लिया जा रहा है। ऐसा भी उनको वैक्सीनेशन के बाद 30 डेज में या 28 डेज में एंटीबॉडीज़ आते हैं, तो एंटीबॉडीज़ टेस्ट भी किया जाएगा इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून जुलाई, और उसके बाद उनको अगर ये तय हुआ कि इनको वैक्सीन्स देना ज़रूरी है, तो 2 डोसेस वैक्सीन के दिए जाएंगे। जो सर्टिफिकेट्स उनको पहले वैक्सीन फेक वैक्सीनेशन का जो दिया गया था, वे सभी नाम पोर्टल के लिए, कोविन पोर्टल के लिए ICMR को यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे, और उसके बाद उनसे अनुमति लेके उनको फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज की वैक्सीन दी जाए।